गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ फिजिक्स मोशन पार्ट थ्री। ओके, कल के टॉपिक में जब हमने बात किया था स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और बहुत कुछ, तो आज हम उसका आगे का पार्ट लेकर आए। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जस्ट लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration and at the last retardation। उसके बाद आगे के videos में हम देखेंगे speed और velocities के formulas, acceleration के formulas। चलिए पहले हम देखते हैं कि आज हमारा पहला topic है velocity, a very interesting topic, velocity। okay, what is velocity? आपको पता था हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक मेजर डिफरेंस ये बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन। जस्ट लाइक दैट, स्पीड हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी अगर हम डिस्टेंस के डेफिनेशन में डायरेक्शन को जोड़ दे, देन वेलोसिटी का डेफिनेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा दिक्कत ये है कि वेलोसिटी को का दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्टेंस का क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वेलोसिटी में चेंज किया होगा डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ चेंज किया होगा डिस्टेंस। लेकिन जब बात करें तो बहुत सारा केस ऐसा होता है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। आपको मैंने ये बताया होगा कि बॉडी अगर किसी स्ट्रेट पाथ पर जा रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके दो अलग अलग डेफिनेशन निकलेंगे। The rate of change of distance along with the direction is called velocity, is along with the direction। अब अगर जब हम इसमें सिंपली डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे तब हमें डायरेक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हैज अ डायरेक्शन। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज velocity। okay, तो हमारा डेफिनेशन जैसा है, जैसा कि हमारा डेफिनेशन क्या रहा है हमें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी वो होता है जहाँ डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज हो रहा है। यानी इसका क्या मतलब है? हमने कल ही देखा था स्पीड का क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी हमने क्या किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी is equal to displacement divided by time। ठीक है, हमारा सिंपल सा यही फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट हमेशा केस में होता है मीटर में, और टाइम हमेशा सेकंड में। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हम इसी का यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को ज़्यादातर हम दिखाते हैं किससे? डिस्प्लेसमेंट को दिखाया जाता है आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मोशन चैप्टर में डिनोट किया जाता है एस से, एस अपॉन टी। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी हो सकता है। तो जब ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा? आपको यूनिट में आराम से समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमेशा डिस्प्लेसमेंट किस में होगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन मीटर एंड टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड। तो इसका भी यूनिट स्पीड के जैसा ही सेम होगा, मीटर पर सेकेंड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दो सब सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब वेलोसिटी के बारे में
थोड़ा और हम लोग को ये समझना है कि अगर इसका एग्जांपल ये होगा, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन इन 20 सेकेंड्स, अ मैन कवर्स 200 डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट इन 20 सेकेंड, यानी कि एक ऐसा एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ईस्ट में ट्रेवल कर रहा है 200 मीटर, ओके। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन को मेंशन किया कि ही इज ट्रेवलिंग टुवर्ड ईस्ट, तो जब जैसे डायरेक्शन मेंशन हुआ तो हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे अ मैन मेड अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 200 मीटर लिया और उसको 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, हमारा वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे आपका 200 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, इट गोज फ्रॉम 10, सो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट के डायरेक्शन में। सो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्शन को मेंशन किया, ओके। तो डायरेक्शन मेंशन जब भी होगा तो आपको पता है वो कौन सा क्वांटिटी बनेगा, जब भी हम कहीं भी डायरेक्शन को मेंशन करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ तो वो कौन सा बनता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नोट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आपको समझ में आ गया। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसे डायरेक्शन को मेंशन करेंगे, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या आगे बात करते हैं तो हम हर जगह डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर सकते, हम डायरेक्शन को थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेजिबल रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको माइंड में हमेशा ये रखना है कि वेलोसिटी जब भी आएगा उसमें डायरेक्शन को मेंशन करना है, डायरेक्शन को अपने माइंड में आप मेंशन करिएगा, ये जरूर सोचिएगा कि अगर वेलोसिटी दे रखा है तो यहाँ डायरेक्शन की बात जरूर की होगी, भले आप न्यूमेरिकल में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपको माइंड में हमेशा ये रखना है, ओके। अब जब आप वेलोसिटी के बारे में समझ गए, इसके यूनिट्स के बारे में समझ गए, तो आगे हम बात करेंगे, जैसा कि हमने स्पीड में भी बात किया था यूनिफॉर्म स्पीड की, तो हम यहाँ बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल है, आपने अभी तक यूनिफॉर्म के दो तीन डेफिनेशन देख रखे, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन का, फिर यूनिफॉर्म स्पीड का, और अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हर जगह हमें यूनिफॉर्म का मतलब एक ही चीज़ पता चला, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम ये भी बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए लिखते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में तो हम समझ गए, अब हमको ये जानना है कि हम वेलोसिटी को चेंज कैसे करें, अगर हम चाहते हैं कि मेरा वेलोसिटी चेंज हो तो हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर हमको जैसे हमने ये सीखा था कि अगर हमको स्पीड को चेंज करना तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस पर सेकेंड को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं और टाइम मेरा इक्वल ही है, जैसे आप समझ लीजिए कि
कहीं पे एक मैन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वो हर एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर वो अगर इस इंस्टेंट के बाद वो क्या करता है कि उस एक सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो अगले में उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाएगा अगला। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि उसने टाइम को वही रहने दिया, उसने डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, तो स्पीड बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे स्पीड क्या है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही है कि अगर आप टाइम को कांस्टेंट रखते हैं और आपको स्पीड बढ़ाना था, आपको डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, उस वक्त टाइम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रख देते हो और टाइम को बढ़ा देते हो तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आपने ये पढ़ा होगा फ्रैक्शन चैप्टर में भी कि अगर हम डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते हैं न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखे तो टोटल वैल्यू कम हो जाता है, अगर आप डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखे न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ाते हैं तो रिजल्ट का टोटल वैल्यू बढ़ जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बीच है यही रिलेशन है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी में जब हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस में हमारे पास या स्पीड में हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटी था, वो था मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी में या डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो हम यहाँ पे दो चीज चेंज करके अपने वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द वेलोसिटी। चलिए वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो नंबर वन, By changing the rate of displacement. अगर हम displacement के rate को change करें तो हम velocity को change कर पाएंगे। And number two, बहुत आसान है, by changing the direction of moving object. ये भी बहुत है सिंपल, इसलिए है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का तो उसके साथ साथ हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अ मैन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड आफ्टर ही टर्न्स टुवर्ड वेस्ट, और वो वेस्ट की तरफ घूम जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ से जाके यहाँ मुड़ने में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ यहाँ से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। यानी अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आपकी, अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आपका वेलोसिटी चेंज होगा, और यही सेम केस होता है सर्कुलर मोशन में। इसीलिए लोग कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में हमेशा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब मान लीजिए कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इसको इस तरह समझिए कि उसने तो खुद को सर्कुलर मोशन में बनाए रखा है, लेकिन आपको पता है कि उसके सर्कल में हर एक इंस्टेंट के बाद एंगल चेंज होता है, हर एक इंस्टेंट के बाद एंगल चेंज होता है, यानी वो हर इंस्टेंट के बाद वो अपना स्पीड, भले ही उसका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई सर्कुलर मोशन को लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में भी हमको आगे बात करना है, फिलहाल आप समझ गए कि अगर हमें वेलोसिटी चेंज करना है तो हम दो कंपोनेंट को चेंज करके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रखें फिर भी डायरेक्शन चेंज करें तो भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, ओके। अब एक मेजर टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कल के क्वेश्चंस में भी इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको आया होगा। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन स्पीड
स्पीड और वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, ये बात हम लोग सब जानते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में हमेशा नहीं हो सकते, किसी किसी केस में होंगे, किसी किसी केस में नहीं होंगे। चले इसको एक एग्जांपल से, एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जर्नी पॉइंट ए से शुरू हुआ, हमारा जर्नी ये पॉइंट ए है और हमारा जर्नी जो है वो पॉइंट बी पर जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर्स, ओके। तो एक आदमी जो अपने जर्नी को ए से शुरू करता है और बी पे जाके ख़त्म कर रहा है, तो वो क्या करता है, और सॉरी द लाइन इज़ नॉट स्ट्रेट हियर, बट कंसिडर कीजिए कि ए बी एक स्ट्रेट पाथ है, कम्प्लीट स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। अब ए बी एक स्ट्रेट पाथ है, तो जब वो अपना जर्नी शुरू करता है तो वो ए से बी तक जाएगा, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बोलिए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 500 मीटर। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 500 मीटर ही। आगे आप लोगों समझे कि डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम होगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब जब बात करेंगे कि मान लीजिए उसको 500 मीटर जाने में कितना टाइम लगा, तो उसको 500 मीटर जाने में आपको उसको 50 सेकंड्स लग गया, ठीक है, 50 सेकंड्स लगा। तो यहाँ पे स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो 500 मीटर बाय 50 सेकंड्स, ठीक है, 500 मीटर बाय 50 सेकंड्स, तो ये क्या आ गया हमारा 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 500 मीटर बाय 50 सेकेंड, दैट इज सेम 10 मीटर पर सेकेंड। बट ये वेलोसिटी है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मान लीजिए कोई डायरेक्शन वो कि ए टू बी ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो टुवार्ड्स ईस्ट। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन का चेंज, लोग पूछेंगे भी कि चेंज या डायरेक्शन ये हम कैसे डिफाइन करें, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि डायरेक्शन उस बॉडी का वही होगा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा वही उस बॉडी के मूवमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। लेकिन हम जब इस टॉपिक का बात करें तो हमें सिर्फ यहाँ किसी चीज़ को मेंशन किया है, मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो ये मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड आर सेम, ये दोनों मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। लेकिन यहाँ पे एक एक एग्जांपल से मैंने आपको दिखा दिया कि ये सेम है, अब दूसरे एग्जांपल से आपको दिखा मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे सेम, किस केस में ये सेम नहीं होगा। चलिए हम अगले केस की बात करते हैं जिसमें ये सेम ना हो। तो वो आदमी क्या करता है, जब ए टू बी ट्रैवल करता है तो वो वापस उसकी जर्नी बी पे ख़त्म हो गई थी फर्स्ट केस में, ये इसको चलिए हम ले लेते हैं फर्स्ट केस। अब हम बात करते हैं जब अपने सेकेंड केस की, तो सेकेंड केस में क्या होगा कि ये समझिए कि इस बार उसने क्या किया कि ए से बी उसने अपनी जर्नी की और वापस बी टू ए आया, वापस क्या हुआ वो बी टू ए आया, उसने अपनी जर्नी इस बार डबल की, ए टू बी और फिर बी टू ए। इस केस में हम देखेंगे, इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में हमारा डिस्टेंस हो जाएगा अगेन 500 मीटर प्लस 500 मीटर, क्योंकि वो एक बार गया एक बार आया है, तो टोटल 1000 मीटर। अब टाइम का मान लेते हैं, टाइम इस केस में आपको टाइम जब वो जर्नी को दो बार करता है यानी ए टू बी जाता है और बी टू ए आता है, तो उसको टाइम कितना लगता है, उससे पहले हम डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। हमको डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला हमको 500 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो ए टू बी गए और बी टू ए आया। अब इस केस में देखिए कि हमने डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन पढ़ा था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसने ए से बी शुरू किया और फिर बी से ए वापस आया, यानी ए ही उसका इनिशियल और ए ही उसका फाइनल पोजिशन है, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया 0 मीटर। अब मान लीजिए कि टाइम, उसको इसमें टाइम लगा क्योंकि जाने में 50 सेकेंड, तो आने में 50 सेकेंड मान लेते हैं, तो 100 सेकेंड उसको कितना टाइम लगा 100 सेकेंड। तो अब यहाँ हम स्पीड निकालेंगे, हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आपको समझ आ ही गया होगा। तो 1000 मीटर अपॉन 100 सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी की, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस अपॉन
टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0/100 सेकेंड, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। इस केस में आप देख सकते हैं कि स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हुआ किस तरह से। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा तो वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होंगे। तो मैंने आपको दोनों केस दिखाए कि इसमें सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। एक बहुत फेमस सा और है, जैसे अगर हम किसी सर्कुलर मोशन, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि अगर ए पॉइंट से उसने शुरू किया और वापस ए पॉइंट पे आकर उसने अपनी जर्नी खत्म की, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस आपको निकल के आएगा वो होगा 2πr, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस, इस मान लीजिए ये से जिस भी सर्कुलर पाथ उसने किया उस सर्कुलर का 2πr, और ये हो गया आपका मान लेते हैं हम r, ठीक है। तो 2πr, ये 2πr क्या है, इसका सर्कमफेरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट तो वापस ए से शुरू किया, उसने जर्नी वहीं से शुरू की और वहीं आके खत्म कर दिया, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो। तो उस अकॉर्डिंग में भी क्या होगा कि हमारा स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ओके, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल गए जिस केसेस में वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है, ओके। अगले टॉपिक में जब हम बात करने वाले हैं वो होगा एक्सेलरेशन। आपने इसको नोट कर लिया होगा होपफुली, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सेलरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोशन चैप्टर, एक्सेलरेशन। सो वॉट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्ड हम अपने डेली टू डेली लाइफ में सुनते आते हैं कि बाइक को एक्सेलरेट करना, कार को एक्सेलरेट करना, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेलरेट करना। ये एक्सेलरेट वर्ड का क्या मतलब है एक्चुअली, एक्सेलरेट वर्ड में क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कभी जीरो से नहीं शुरू होगा, एक्सेलरेशन तब होगा, एक्सेलरेशन जीरो से शुरू होगा, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या होता है कि आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं या स्पीड को अगर आप चेंज करेंगे तो वो हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है इसी से हम ये समझेंगे कि जैसे मैंने बोला कि ये वेलोसिटी और स्पीड को चेंज करने का, जो स्पीड को या वेलोसिटी को जब हम चेंज करेंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन इज एज सिंपल एज दैट कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्चुअली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा किस में होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हम करेंगे तभी हमारा एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड के मामले में क्या है कि आपको पता होगा कि स्पीड इज हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्पीड हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होगा, स्पीड का पाथ कुछ भी हो सकता है, मे बी कर्व पाथ, मे बी एनीथिंग पाथ। तो हम वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन की बात हमको हम हमेशा किससे कनेक्ट करेंगे, वेलोसिटी से। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलिए जैसे मैंने जब वेलोसिटी आपको बताई थी तब मैंने आपको दो केसेस बताए थे कि हाउ वी कैन चेंज द वेलोसिटी, हम वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला केस जिसके बारे में मैंने बात किया था वो यही था कि अगर हम वेलोसिटी के रेट को ही चेंज करें तो उससे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और वो रेट ही चेंज जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको अपनी वेलोसिटी में चेंज चाहिए, वेलोसिटी हमारा पहले क्या था,
और अब के वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट में जाना होगा। डिस्प्लेसमेंट में हम किस चीज़ की बात किए थे, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो हम उसी चीज़ को मेंशन करेंगे। तो मान लीजिए इसको हम इस तरह से समझाते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रहा है, ठीक है, उसने मूव करना शुरू किया पॉइंट एक्स पॉइंट वाई, ठीक है। पॉइंट एक्स पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पॉइंट वाई पे जब उसका वेलोसिटी रिकॉर्ड किया गया था वो था 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी को चेंज कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जो है, वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उसने अपने वेलोसिटी को इंस्टेंट चेंज कर लेगा 5 से 10, नहीं, वो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 8 से 10 इस टाइप से पहुँचा होगा। आपको ही पता है कि कोई चीज़ इंस्टेंटली नहीं हो जाता, उसको अकर होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो उसने क्या किया कि पॉइंट एक्स से वाई के बीच में उसने एक्सेलरेट किया और वाई पे जाके उसका जो वेलोसिटी था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम दो तीन टर्म का यूज़ करेंगे। पहला हम ये सीख लेते हैं कि हमारे लिए इस केस में ये जो है वो क्या है, इस केस में हमारे लिए ये है u, यानी यहाँ इसको हम क्या मानते हैं, इनिशियल, यहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से, इसको हम मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और इस पॉइंट को मानेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से, स्मॉल u से, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि उसने अपने वेलोसिटी को यहाँ से चेंज किया, तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जैसे मैंने आपको ये बोला, सिंपल सा ये समझिए कि मैंने आपको बोला कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका 5 सेंटीमीटर का लेंथ था। अब क्या हुआ कि मैंने उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया, मैंने कितना से इंक्रीज किया मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने वापस से इसको मेजर किया तो अब ये 12 सेंटीमीटर का हो गया, ये लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर का हो गया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने जो एडिशनल चेंज किया लेंथ का उस लाइन के, वो कितना था। तो आप सिंपली क्या करोगे कि पहले आपका टोटल, अब टोटल लेंथ कितना है 12, इनिशियल लेंथ कितना था 5, तो आप 12 में 5 को माइनस कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो इंक्रीज किया वो कितना का इंक्रीज था, 7 सेंटीमीटर का इंक्रीज था। उसी तरह हम यहाँ भी सेम करेंगे कि हमने क्या किया कि फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करेंगे तो हमें इस बीच में जो वेलोसिटी का चेंज आया वो हमको मिल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए कि उसको इस चीज़ को चेंज करने में टाइम लगा 5 सेकेंड का, कितना टाइम लगा 5 सेकेंड का, ठीक है, तो 5 सेकेंड, ओके, तो नेट 10 मीटर माइनस 5 मीटर, तो 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। अब आपको पता है ये सेकेंड बाय में है तो ये हमेशा नीचे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर बाय 5 सेकेंड इंटू सेकेंड, ठीक है, तो 5 से 5 कट गया तो क्या हो गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं। तो 1 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, ठीक है। तो ये एक्चुअली फार्मूला नहीं है, फार्मूला भी हम पहले फार्मूला देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल फार्मूला क्या होगा। तो हम आपको इस न्यूमेरिकल से, इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि इसका फार्मूला हमारे लिए क्या डेराइव होगा। तो इसका फार्मूला जो हमारे लिए डेराइव होगा वो फार्मूला हो जाएगा वी, यानी कि एक मिनट मैं पूरा ही लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, क्योंकि हम हमेशा किस चीज़ की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब क्या होगा कि हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी को हमने किससे डिनोट किया, v से, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया, u से, तो v माइनस u बाय टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल t से, तो v माइनस u बाय t। तो देयरफॉर हमारे लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल गया है, एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे a से, स्मॉल a से, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया, एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन का बहुत सारा एग्जांपल भी है, अब मैंने एक एग्जांपल समझा दिया, आगे और भी एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे। चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। फिर से अगेन आपके लिए एक वर्ड, आपके लिए वो वर्ड वापस आया, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने यूनिफॉर्म मोशन का बात किया तो वहाँ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड की बात की तो इक्वल रेट ऑफ, इक्वल चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में क्या होगा कि बॉडी, व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जब बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है और उसके वेलोसिटी के रेट में जो चेंज आ रहा है वो इक्वली आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वली आ रहा है, उसका रेट है चेंज होने का वो सेम है। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि वो हर सेकेंड जो उसके वेलोसिटी के चेंज होने का, यानी क्या होगा कि अगर उसका कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम एक चीज और नाम भी दे सकते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 2 meter per second square से, ठीक है, तो आपको ये निकालना होगा कि 2 meter per second square से अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो अब मान लीजिए अगर उसने 0 से शुरू किया तो अगले 1 second बाद उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 meter, क्या हो जाएगा, 2 meter। तो 2 meter, अब वो 2 meter का, यानी अगर हम देखें, देखा जाए हमारा कि एक्स को हम पॉइंट ए लेते हैं, इसको पॉइंट बी लेते हैं, तो यानी फाइनल मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी 2 meter per second और यहाँ पे 0 meter per second, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 0 / 1, तो 2 meter per second square। अगले में हमको निकालना है कि 2 meter per second square के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो आपको निकालना होगा कि अगर ये आपका जा रहा है 4, अगले में ये कहाँ पहुँच जा रहा है, 4, ठीक है, तो 4 - 2 / 1 second, अगले 1 second में, तो यहाँ भी आपको क्या आ जाएगा, 2 meter per second square। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि अगर वो पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी पे उसका स्पीड क्या हो जाता है, 4 meter per second, ठीक है, अगले पे उसका क्या हो जाता है, तो 6 meter per second। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा रेट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो हमेशा क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, लेकिन हर केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, हमारा एक्सेलरेशन जो है वो नहीं इंक्रीज हो रहा है, हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था, फिर 2 meter per second का स्पीड हो गया, फिर 4 meter per second का हो गया, फिर 6 meter per second का हो गया, लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन रहा वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि आप कैसे जान सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक बॉडी अगर अपने रेट ऑफ चेंजेज इट्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या था, वेलोसिटी, यानी अगर वो अपने वेलोसिटी को चेंज करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वली क्या करता है, व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वली, यहां पर हम एक और वर्ड को ऐड कर सकते हैं, इक्वली, इक्वली विथ इक्वल
ठीक है, व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी अगर इक्वली चेंज होगा, आपने देखा ना कि वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा था, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो हर केस में वो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन क्या आ रहा था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा सेम था। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो लिख लेते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो नंबर वन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स आप देखते हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका फ्री फॉल। फ्री फॉल में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करते हैं, यानी स्पेस है, ये है रूम है, आपने यहाँ से जैसे मैंने इस मार्कर को लिया, इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो तो लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी कोई बॉडी अगर फ्री फॉल में डाउन होता है, तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड, वो क्या होगा कि वो रेट चेंज होता चला जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमेशा एक्सेलरेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। उसके बाद मान लीजिए ये कोई ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल नहीं है जितना ये है, बट इसको मान सकते हैं कि अगर कोई बाइक वाला, ठीक है, उसने अपने बाइक को क्या हुआ कि बाइक को ले गया और वो एक ढलान है, बहुत बड़ी सी ढलान है, उस पर उसने अपनी बाइक को लगा दिया और बिल्कुल बिना पैडल के उसको छोड़ दिया जाने के लिए, फ्री फॉल कर दिया, मैंने यहाँ फ्री फॉल में नीचे नहीं, इनक्लाइन प्लेन पे जाने के लिए छोड़ दिया, तो वहाँ पे जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो धीरे 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 बढ़ेगा, आपने देखा है कि अचानक से बढ़ जाता है, नहीं, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, आप सबने फील किया होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एयर फ्रिक्शन को नेग्लेजिबल ले लेंगे, तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसका ये भी हम ले सकते हैं, अ बॉल स्लाइडिंग ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन टेकिंग फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, हम यहाँ पे फ्रिक्शन को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, बिल्कुल उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है कि हमने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जानते हैं कि इसका अपोजिट होता है ये। अब ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये नॉन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन का रेट कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन किसी भी तरह से हो सकता है। तो इसमें हम क्या, इसका डेफिनेशन हम क्या लिख लेंगे कि वैन अ बॉडी changes its velocity unequally with equal interval of time, then the body is said to be non-uniformly accelerated। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका यूनिफॉर्म, मतलब वो क्या करेगा कि उसका अनइक्वल चेंज होगा, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा अनइक्वल होगा, कभी मान लीजिए 2 हो गया, कभी 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कभी अचानक से 8 मीटर पर सेकंड हो गया, कभी अचानक से फिर से 1 मीटर पर सेकंड हो गया। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम्पल हो जाएगा अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड मार्केट। अब वो क्राउडेड मार्केट में, तो आपने क्राउडेड मार्केट में देखा होगा कि
बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई तो आप धीरे हो गए, अचानक से भीड़ ख़त्म तो आप फिर अचानक से एक्सेलेट कर ले, फिर आगे भीड़ आई फिर आप स्लो हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, मौका मिला तो हम स्पीड कर लिए, मौका नहीं मिला तो फिर हम धीरे हो गए, हमने एक्सेलेरेट किया फिर नहीं किया फिर एक्सेलेरेट को कम किया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ देखने के लिए मिला कि हम कभी एक्सेलेरेट कर रहे हैं, कभी एक्सेलेरेट कम कर रहे हैं, कभी एक्सेलेरेट कभी ब्रेक, हम ब्रेक भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रेक जब अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए क्राउड आ गया अचानक से, हमने स्पीड बढ़ा रखी है तो हम एक्सेलेरेट कर रहे थे, हमने अचानक से ब्रेक दबाया, तो ब्रेक दबाने में क्या होगा कि हमारी वेलोसिटी वापस जो पीक पे थी वो फिर धीरे धीरे नीचे आएगी। तो यहाँ भी तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, यहाँ भी एक्सेलेरेशन तो हो रहा है, लेकिन ये एक्सेलेरेशन जो है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो रहा है। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए एक नया टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया, व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब कोई जो होगा कि वो इक्वल इंटरवल में वो वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वली वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए अब बात करते हैं हम रिटार्डेशन, आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा रिटार्डेशन, उसके बाद आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So let's take retardation. चलिए retardation देख लेते हैं। तो retardation कुछ भी नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं समझ सकते, बहुत ईजी है। जैसे आपको पता होगा, आप बहुत सिंपली बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक, हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होता है और 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। लेकिन आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन लगाया जाता है और प्रोटॉन के लिए प्लस। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज माइनस में होता है ये प्लस में होता है, ऐसा कुछ नहीं, चार्ज का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये प्लस और माइनस क्यों यूज किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि इनका डायरेक्शन चेंज है, ये आपस में एक दूसरे से अलग है, ठीक है। ये नहीं बताता है कि ये चार्ज निगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, ये बताता है कि ये चार्ज जो आपको आया है ये प्रोटोन का, ये प्लस बताता है कि प्रोटोन का है और ये माइनस बताता है ये इलेक्ट्रॉन का है। ये चार्ज के पोलरिटी को चेंज करते हैं, ठीक है, इसलिए हम इन साइंस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, इसका वैल्यू भी जो आएगा आप अगर इस मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये हम माइनस साइन इसलिए लगाते हैं, ये हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। सेम वही केस यहाँ भी होता है रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में भी, दोनों क्या है कि हम प्लस माइनस का यूज करते हैं ताकि हमको ये पता चले कि एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। जैसे ही निगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, रिटार्डेशन का, ठीक है। अब इसको हम बता दें, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से बताया कि मान लीजिए आप अच्छे से एक्सेलरेट कर रहे हैं, जा रहे हैं क्योंकि खाली है, अचानक से सड़क पे कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ ब्रेकर आ गया तो आप क्या करेंगे, ब्रेक सप्लाई करेंगे। ब्रेक सप्लाई करने में क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी जो पीक पे थी वो अचानक से जीरो पे आएगी। अब जीरो पे आने के लिए आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया तो वहाँ आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन चला गया नेगेटिव में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। अब वो चला गया नीचे नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। मैं कोई लंबा चौड़ा डेफिनेशन आपको नहीं देना चाहता, बस इतना ध्यान में रखिए और इसको समझ लीजिए। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी इनिशियल स्पीड जो थी वो थी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या हुआ कि जब मैं जर्नी में कर रहा था तो आगे ब्रेकर आ गया और मैंने अपने ब्रेक्स को दबाए और उससे क्या होगा कि मेरा स्पीड घट के कितना हो गया, 30 मीटर
पर सेकेंड, और इस इंटरवल में ब्रेक ऐसा तो नहीं था ब्रेक लेते ही रुक जाता है, ब्रेक लेके कुछ टाइम लगता है, या मैं तो यहाँ रोक भी नहीं था, मैंने अपनी स्पीड को कम किया। तो मान लीजिए इसके बीच में हमको टाइम लगा 5 सेकेंड का, कितना टाइम लगा 5 सेकेंड का। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है तो 5 सेकेंड का। अब ये बड़ा ये छोटा है तो हमारा ऑब्वियस क्या आंसर आएगा, 20 मीटर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड। अब इसको 5 से डिवाइड करिए 4 टाइम्स, यानी हमारा एक्सेलरेशन आया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आया। अब बताइए कि अगर हम ऐसा लिखे तो सही लगेगा, नहीं, इसी के लिए इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिटार्डेशन का, रिटार्डेशन। अगर हम इसमें रिटार्डेशन लगाएंगे तो हम रिटार्डेशन, आपको पता है कि एक्सेलरेशन का हमेशा उल्टा होता है रिटार्डेशन, यानी हमको ये माइनस साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं कि माइनस साइन आपको हटा देना है, क्योंकि रिटार्डेशन का नेचर ही एक्सेलरेशन से उल्टा होता है, इस माइनस में एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसको क्या बना देगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा गया कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन जब भी निगेटिव, ये निगेटिव एक्सेलरेशन है तो हमने इसको रिटार्डेशन में क्या लिखा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आपको समझ में कि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का क्या डिफरेंस है, तो इसीलिए आपको ये भी पता होगा, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि रिटार्डेशन का फॉर्मूला भी सेम होगा, रिटार्डेशन इज इक्वल टू बोलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म आप चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या हो गया v माइनस u बाय टी, यानी रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम है। ओके, तो आज के टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कनेक्ट करें, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछें, आगे के चैप्टर के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।